हाँ तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शौर्य और आप देख रहे हैं शौर्यज एक्वाटिक वर्ल्ड। अब इसको खाना खजाना के सेट की तरह मत सोच लेना, ये मेरा ही शो है, ठीक है। और आप लोग का एक जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन था कि कौन सा फूड यूज़ करते हो, उसी के बारे में सोचें कि वीडियो बनाना है। इस वीडियो को देखने से पहले दो चीज़ ध्यान में रखना है आप लोगों को। पहला, इन सब में से किसी भी कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है। दूसरा कि ये सारा फूड कुछ दिन में चेंज हो जाएगा इंडियन ब्रांड्स में, क्योंकि बायकॉट चाइना मुहिम चल रहा है, ठीक है। आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि इंडिया के सामान पे चेंज करो। तो बिना वक्त बाय चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो सबसे पहले आपके फ्रंट में आपको दिख रहा होगा ऑप्टिमम 3-in-1 ये वाला फूड। ये फूड गोल्ड फिश और अदर आपका अगर कोई फिश है, आपको दिखाते हैं, हाँ अदर कोई भी आपका फिश जैसे आपका गोल्ड फिश, मॉली, प्लैटी या सिगलेट्स है, उसमें ये बहुत अच्छा हेल्प करता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक्चुअल में देखिए, हम अपने फिशेस के लिए बहुत वैरायटी का फूड यूज़ कर सकते हैं, आपको सामने दिख रहा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर तरह का प्रोटीन मिले, इसलिए तो इसमें अलग प्रोटीन हो या फिर इसमें अलग प्रोटीन हो, इसलिए सब डिफरेंट फूड ट्राई करते हैं। ये वो कुछ फूड है जिससे हमको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और कुछ फूड है जिसे हम कहेंगे कि आप अवॉइड करो। तो उसमें सबसे पहले ये है जिसे आपको यूज़ करना चाहिए, ऑप्टिमम 3-in-1, जो कि हम अपना सिगलेट टैंक या प्लांटेड टैंक और इस टैंक को छोड़ के यहाँ पे एक टैंक है प्लांटेड वाला, उसको और शार्क को देते हैं। ये इनको डाइजेशन में भी इजी होता है और इसके अंदर प्रोटीन नॉर्मल फूड से थोड़ा सा ज़्यादा है। दूसरा फूड हम यूज़ करते हैं, कहाँ गया टेट्राबिट्स। टेट्राबिट्स एक जर्मन कंपनी है, आप लोगों को जैसा पता होगा, आई थिंक जर्मन नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये इंडिया का नहीं है, इतना हम फॉर श्योर बोल सकते हैं। टेट्राबिट्स बहुत हाई इन प्रोटीन होता है, इसलिए हम रूटीन में हर वीक मंडे को अपने सिगलेट्स को, अपने बोस्मानी रेनबो को और मॉली को कभी कभी रेयरली देते हैं। इससे क्या रहता है, फिश का कलर होता है और ये फूड क्योंकि हैवी रहता है तो इसको कम अमाउंट में देते हैं, ठीक है, इससे इनका डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आता है। सो ये मेरा टेट्राबिट्स। और हाँ, ऑप्टिमम के बारे में नहीं बताया, ये हम ट्यूसडे को देते हैं। उसके बाद आपका आता यूज़ हम करते हैं यहाँ फ्लेक्स, सेराफ का ये एक फ्लेक्स हम यूज़ करते हैं। फ्लेक्स में देखिए सीन क्या है, फ्लेक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमको ये चेक करना था कि ये कैसा काम करता है। जो सीन है, फ्लेक्स में कम प्रोटीन रहता है, लेस देन पेलेट्स, पेलेट्स से कम प्रोटीन पेलेट इसमें होता है फ्लेक्स में, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। छोटी फिश या फिर फिश के जो फ्राई रहते हैं इसे ईजिली खा सकते हैं और मॉलीज ज़्यादा खाती हैं इसे। तो ये हम अपने फिशेस को वेनसडे के वेनसडे देते हैं। सिगलेट फिश, रेनबो फिश, रेनबो फिश टैंक में इसलिए भी देते हैं क्योंकि प्लैको इसके ऊपर मुंह मार लेता है, और मॉली फिश में ज़्यादातर देते हैं। ये आपका वेनसडे को हुआ। थर्सडे को हम अपना बाकी फिशेस को देते हैं। कहाँ गया, ये रहा ट्यूबर फ्लेक्सवॉर्म। ये ट्यूबर फ्लेक्सवॉर्म ओसाकी का है, ये हम नया यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले वो पैकेट में आता था, वो लोकल कंपनी था एक, उसका यूज़ करते थे, लेकिन उनको कोई अवेलेबल नहीं था, तो अभी हम इसका यूज़ कर रहे थे। ट्यूबर फ्लेक्सवॉर्म हाईली रिच इन प्रोटीन होता है, और क्योंकि ये डेड रहता है, देखो कैसा रहता है, ब्लॉक्स में रहता है, तो इसको फीड करवाने में भी अच्छा रहता है। इसको हम फिश टैंक के ग्लास के ऊपर स्टिक कर देते हैं अंदर की तरफ से, और फिश इसके ऊपर करके खाता है, बहुत क्यूट भी लगता है उस समय। तो ये आपका हो गया थर्सडे, ये सारी फिशेस को मिलता है। और हाँ, इनमें से जितना हम आपको बता रहे हैं, कुछ दिन इन फिशेस को फास्ट भी करवाते हैं थर्सडे। अब फ्राइडे को, हर वीक फ्राइडे को, सॉरी इसके बारे में अगर नहीं बताए, तो सिगलेट को, इसको 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 सारे फिशेस को मिलता है, और इंक्लूडिंग टर्टल भी, टर्टल को भी ये ट्यूबर फ्लेक्सवॉर्म मिलता है। अब फ्राइडे को क्या मिलता है, ये वाला, ये आपका ऑप्टिमम का माइक्रो पैलेट्स है, क्योंकि ये दाना में छोटा है तो इसको सारा फिशेस खा सकता है, जैसे मॉली हो गया, बोस्माना रेनबो का टैंक हो गया, और सिगलेट टैंक में नहीं देते क्योंकि इसका पैलेट्स बहुत छोटा रहता है, तो ये लोग नहीं खा पाता है। ये मतलब मेरे छोटे फिशेस के लिए, जिस दिन हम ये सारे फिश मतलब मॉली और बोस्माना रेनबो वाले टैंक में डालते हैं, उस दिन हम फिर ऑप्टिमम 3-in-1 यूज़ करते हैं अपने सिगलेट टैंक में,
तो ये फ्राइडे को, मोस्टली सैटरडे को हम इन लोग को फास्ट करवाते हैं जिससे ये लोग खाना अपना पचा वचा के सब ख़त्म कर दें, और फिर संडे को इन लोग को मिलता है ये, इसमें आपका ऑप्टिमम का फूड है, ऑप्टिमम का गोल्ड फिश फार्मूला आता है वो, ये सारी फिशेस को मिलता है इंक्लूडिंग माई शार्क। शार्क का डाइट उतना ज़बरदस्त नहीं है लेकिन हाँ है, जैसे शार्क को ये मिलता है 3-in-1 मिलता है, उसके बाद ओके को प्लैटिनम भी कभी कभी दे देते हैं और ऑप्टिमम चिकलेट भी देते हैं। चिकलेट ऑप्टिमम चिकलेट का है कि इसको कभी भी हम दे देते हैं, जैसे संडे को जब खाना देते हैं तो ऑप्टिमम चिकलेट भी अपने सिगलेट फिश को दे देते हैं। अब आते हैं अपने फ्लावर हॉर्न के फूड के ऊपर। सो थोड़ा क्लीन रखते हैं इसलिए सजा रहे हैं, ये मत सोचना दिखाने के लिए। अब मेरे फ्लावर हॉर्न पे आते हैं। फ्लावर हॉर्न को मोस्टली हम तीन तरह का फूड अभी दे रहे थे, इसको भी हम अब चेंज कर रहे हैं क्योंकि कुछ तो आने वाला है। तो फ्लावर हॉर्न को मोस्टली हम प्लैटिनम, ओके को प्लैटिनम, ये बिलीव करो जब से हम अपना फ्लावर हॉर्न को लाए तब से यूज़ करें और अभी तक ये एक्सपायर नहीं किया है, ठीक है। ये ओकीको प्लैटिनम यूज़ करते हैं ये, मतलब देखो फ्लावर हॉर्न का मेरा डाइट बहुत सिंपल है, एक दिन देना है, एक दिन नहीं देना है, एक दिन देना है, एक दिन नहीं देना है, इसलिए क्योंकि अगर ये मेल रहता तो इसका हम्प ग्रोथ होता, हम इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं पैलेट्स, क्योंकि जो एक दिन नहीं देते हैं उस दिन हम ट्राई करते हैं इन लोगों को जो वाइट फ्लैश वाला श्रिम्प होता है वो खिलाने का, इससे इसका जो पल्स होता है वो थोड़ा क्लीन आएगा। तो ये देते हैं आपका फ्लावर हॉर्न मैक्स प्रो एम्बर का देते हैं, ये भी आपका टायो का है, इससे हमको आई थिंक कलर, मतलब देखो अब मुझे इससे अच्छा रिज़ल्ट मिला है, इट इज़ नॉट कि आपको भी रिज़ल्ट इससे अच्छा मिले, लेकिन मुझे अच्छा मिला। और लेकिन हम इससे अब अदर चीज़ को भी ट्राई कर रहे हैं फूड्स को, तो अभी हम इसको आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ट्राई करो, लेकिन हाँ आगे हो सकता है कि कोई ऐसा फूड टायो का निकले जो कि हम यूज़ करेंगे। टायो का इसको हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेड इन इंडिया है इसलिए भी। और एक फूड जो हम अपने फ्लावर हॉर्न के लिए यूज़ करते हैं ऑप्टिमम का चिकलेट क्विक रेड, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ये फ्लावर हॉर्न का जो ये रेडिश कलर मेरा फ्लावर हॉर्न कम्फा F2 है उसमें वो इंक्रीज़ करता है, इसलिए इसके बीच में कभी कभी हम इसको जो वाइट फ्रेश वाला श्रिम्प दे रहे हैं वो तो है ही। उसके बाद ये आपका हम्पी हेड और ये हनी आ गए यहाँ पे, ये तो हमसे भी ज़्यादा फेमस है, मुँह दिखा दो इन लोग को, पूछ दिख रहा है समझ जाओ यहाँ पे देखो हाँ। उसके बाद ये है आपका ऑक्स का हम्पी हेड, ओशन फ्री है, ये हम लाए थे जब मेरा फ्लावर हॉर्न बेबी था और हमको लगता था कि ये मेल है और ये तबाही कर रहा है, हमको लगता था ये मेल है तब हम इसको देते थे कि इसका हेड ग्रोथ अच्छा हो, लेकिन सच बोले तो हमको इससे रिजल्ट्स अभी पता, हम कैसे लगाएं मेरा फीमेल है, अगर ये मेल होता तो हम आपको रिजल्ट्स इसका बता सकते हैं। कुछ दिन में मेल हम लेंगे शायद फ्लावर हॉर्न, तो हम इन सब के बारे में भी आप टेस्टिंग के बारे में हम बताएंगे कि कैसा जा रहा है। ये हम अपने टर्टल्स को भी देते हैं कभी कभी, बहुत रेयर केसेस में। अब टर्टल के फूड के ऊपर, टर्टल का भी फूड बहुत हम वैरायटी में रखें, ये डिस्कवरी का आपका है टर्टल का, ठीक है, टायो डिस्कवरी। उसके बाद आपका ये थोड़ा सस्ता एक फूड लाएँ, अभी टेस्टिंग इसके ऊपर कर रहे हैं, टोक्यो का, टोक्यो गोल्ड, ठीक है, कुछ दिन पहले लाए थे, इसके ऊपर भी अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम पैलेट से, कोई चेंजेस नहीं है। इन दोनों के साथ हम एक और फूड जो टर्टल को देते हैं वो है ऑप्टिमम चिकलेट फ्लावर हॉर्न मैक्स प्रो। देखो ये सब थोड़ा प्रोटीन में हाई है इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम। और नॉर्मली हम टर्टल्स को क्या करते हैं कि जो मच्छी खाने का हम लोग के लिए रहता है ना वो बाज़ार में मिलता है, तो उसको हम जो मरा हुआ रहता है छोटा छोटा वो ला के अपने टर्टल्स को कभी कभी देते हैं। अर्थवॉर्म भी इनके डाइट में है, अर्थवॉर्म हुआ, फिर आपका ट्यूबर फ्लेक्स वॉर्म रहा, ये सब भी इन्हें फीड में देते रहते हैं। तो आई थिंक कि अभी हम अपना सारा फूड को आप लोग को एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यही थी आज की फ्रेंड्स वीडियो। और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट्स में और मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला होगा और यहाँ पे आपको नाम भी शो कर रहा होगा, यही कहीं दिख रहा होगा आपको नाम, ऑफिशियल शौर्य श्रेय सिंह नाम है उसका, और आप उसमें मेरे को DM कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेरे फिश की फीडिंग वीडियो या फिर कुछ आने वाला है उसका भी आपको पहले वहाँ पर अप टू डेट मिल जाएगा, वो आप जानना चाहते हो, कुछ आने तो वाला है आप वहाँ पर देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन टैंकिंग एक्वामी।